हेलो दोस्तों, आज हम इंदौर में एक बहुत ही अच्छी जगह घूमने जाने वाले हैं। अगर आप इंदौर में रहते होंगे या उसके आसपास रहते होंगे तो आपको पता होगा इंदौर में एक दशहरा मैदान है जो अन्नपूर्णा मंदिर के पास पड़ता है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मेला लगा हुआ है जहाँ पे इन्होंने अयोध्या के टेम्पल का डमी बनाया है जो देखने में बहुत ही सुंदर है। इसे देखने के बाद आप सोचेंगे कि वाह, कितना अच्छा कलाकार है जिसने इस मंदिर का डमी बनाया है जो बिल्कुल अयोध्या मंदिर जैसा है। तो हम पहुंच चुके हैं मेले में। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग दुकानें भी थी। ये उसका बड़ा सा गार्डन था जिसमें बहुत सारी अलग अलग दुकानें, जिसमें आपको कपड़े, बुक, खिलौने, गिफ्ट, फूल, कारपेट, सारी चीज़ों की दुकानें हैं। यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल इन्होंने हर चीज़ के लगा रखे हैं। अगर आपको कुछ भी ख़रीदना तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ओहो, वीडियो बनाते बनाते मैं अपने ग्रुप में सबसे पीछे रह गई, बाकी सब अलग अलग स्टॉल पे चले गए हैं, तो मुझे अब ढूंढना पड़ेगा। चलिए देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। ये यहाँ 3 मेंबर है, 2 तो ऐसे ही घूम रहे हैं, 1 कपड़े देख रही है, बाकी ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे हैं। ये 2 बुक की दुकानों पर हैं, ये कुछ बुक खरीद रहे हैं, पता नहीं क्या। एक तो भगवद गीता खरीद रही है, बाकी तीसरी और देखते हैं कहाँ है। ये यहाँ पे एक ईयरिंग्स खरीद रही है। अब लड़कियों का ग्रुप गया है तो अलग अलग दुकानों पे ही बिखरे होंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे। यहाँ मैं भी कुछ सामान लेने आ गई। ये क्राफ्ट की चीज़ें थे जो मुझे बेहद पसंद है। ये सारे लकड़ी के फ्लावर बने थे तो मैं यहाँ क्राफ्ट की चीज़ें देखने आ गई और मैंने यहाँ से फ्लावर लिए। अब ये मंदिर के पास आ गया, आप देखिए कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये देखने में। मन कर रहा था यहीं पे इसको देखते ही रहूं, मन ही नहीं भर रहा था इसको देखने के बाद। अगर आप इंदौर के आसपास रहते हैं तो एक बार ज़रूर इस मंदिर को देखने के लिए आएं। मंदिर के साथ साथ आप यहाँ पे मेला भी घूम सकते हैं जहाँ पे खाने का स्टॉल और झूला भी है बहुत सारा। ये मंदिर के अंदर की मूर्ति है जिसमें राम भगवान, लक्ष्मण जी और सीता जी की मूर्ति बनी हुई है। ये अंदर देखिए आप कितना ही सुंदर बना हुआ अंदर से भी। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, लोग दर्शन भी कर रहे थे और फोटोज़ भी ले रहे थे। मूर्ति देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये फिर से मैं दूसरी तरफ से उतरी, ये दूसरी तरफ का आपको व्यू दिखा रही हूँ जो देखने में बिल्कुल ही सेम था। उसके बाद इन्होंने मंदिर के बाहर थोड़ी दूर पे एक स्टेज लगा रखा था जहाँ छोटे छोटे बच्चे गाना गा रहे थे और डांस भी कर रहे थे। और आप देखिए यहाँ से पूरी मंदिर दिख रही है, कितना सुंदर है। बाकी यहाँ पे ड्रोन कैमरा और कैमरेज भी लगे हुए थे जिनका लाइव वीडियो चल रहा था। दर्शन करने के बाद हम लोग झूले के पास आ गए, वहाँ पर ये बचपन की प्यारी सी याद हमें दिखी जो बचपन में हम अक्सर किया करते थे। इसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इसका वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था, मन कर रहा था इसके साथ खेलूं, तो मैं तो नहीं खेल पाई, वीडियो बनाने में रह गई है। मेरी दूसरी फ्रेंड आके यहाँ पे इसको खेलने लगी, भूल गई कि ये मेले में है। बच्चे के साथ ही आराम से ये भी उछल कूद करके खेलने लगी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको देख के हम भूल जाते हैं कि हम अब बड़े हो चुके हैं। अब झूला झूलने की बारी आ गई। हम 7 से 8 लोग गए थे बट सब डर रहे थे झूला झूलने के लिए, तो बाकी हम 3 ही तैयार हुए। तो चलिए हम झूला झूलते हैं जिसमें हम बहुत ही इंजॉय करेंगे। हमने सोचा ऊपर जाके हम खूब तेज से चिल्लाएंगे, क्योंकि अक्सर मैं ये क्या करती हूँ, जब भी मैं झूला झूलती हूँ ऊपर पहुँचने के बाद मैं बहुत तेज चिल्लाती हूँ। तो आज भी यहाँ मैं वही करने वाली हूँ, जैसे ही ऊपर झूला पहुँचेगा वैसे मैं खूब तेज से चिल्लाऊंगी। तो चलिए हमारा नंबर आ गया, हम झूले पे बैठ गए हैं। अब ये झूला स्टार्ट हो गया, ऊपर लाके रोक दिया बहुत देर तक, फिर मैं यहाँ से वीडियो बनाने लगी। यहाँ से मेला आप देखिए कितना ही सुंदर दिख रहा है। सारी चीज़ें मैंने लेने की कोशिश की है जो कवर हो चुकी हैं। झूला झूलने के बाद हमें बहुत तेज़ से भूख लगी, फिर हम यहाँ दावेली खाने आ गए। दावेली वाले भैया ने जैसे ही हमें दिया हमने खा लिया चटपट, बहुत तेज़ से हमें भूख लगी थी इसलिए हमने वीडियो नहीं बना पाए। फिर यहाँ हम पहुँच गए पानी पूरी खाने। लड़कियाँ और पानी पूरी ना खाएं, ऐसा हो सकता है क्या? फिर हम सारे ग्रुप वाले पानी पूरी खाने पहुँच चुके थे, सब ने पेट भर के पानी पूरी खाया। पानी पूरी के बाद कुछ मीठा भी होना चाहिए। फिर हम यहाँ पे आइसक्रीम की दुकान पे पहुँच गए जहाँ पे हम सब ने कुल्फ़ी खाई। बस आते टाइम हमने देखा कि यहाँ पे लाइव आरती चल रहा था, फिर हम वहाँ थोड़ी देर खड़े हो गए, उसके बाद हम निकल गए।
मैं यहाँ पे आपको अन्नपूर्णा मंदिर भी दिखा दूँगी, जो बाहर से दिखाऊँगी। काफ़ी लेट हो चुका था इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा पाए। आप देखिएगा बहुत ही सुंदर सजा हुआ है, ये अन्नपूर्णा मंदिर है। ये मंदिर इंदौर में बहुत ही फेमस है, तो आप ज़रूर यहाँ पे जाएं दर्शन करने। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।